देखो ये क्या बाबू, आपको क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब क्या सर इलेक्ट्रॉन का क्या है बाबू, अरेंजमेंट है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है बोला, अरेंजमेंट होता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे। देखो बल्ब कौन नहीं जल रहा है जी, चलो ठीक। हाँ बाबू ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब बाबू हमारे पास क्या बाबू, ये 118 एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है ना, 118 एलिमेंट है। हाँ सर 118 एलिमेंट है। तो हम लोग सारे सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, 130 तक हम लोग को ज्यादा जरूरत पड़ता था उतना ही का करेंगे, है ना। तो वही लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बाबू, ऑफ एलिमेंट बाबू फ्रॉम 1 to 30 है ना। ऐसे माने ऑन करो ना शैतान, स्वामी शैतान ऑन कीजिए ना जी, ठीक। तो 130 तक के सारे एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए ना वो, एटॉमिक नंबर याद रहेगा तभी बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, लेकिन कोई नहीं याद रहेगा नहीं लिख पाओगे, है ना, ठीक है बाबू। तो पहला जो बाबू पीरियोडिक टेबल में जो पहला एलिमेंट होगा कौन सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, पीरियोडिक टेबल दिखाए थे ना बाबू, ठीक है ना। 130 तक के बोला मेरा, 130 तक के सारे एलिमेंट का आपको लिखना है ना, लिखना है ना। तो आप लोग ऐसा वाला पीरियोडिक टेबल खरीद लीजिएगा भोला मेरा, है ना बाबू, पीरियोडिक टेबल खरीद लीजिएगा। यहाँ से कम 130 तक के सारे एलिमेंट का याद रखना, सारे एलिमेंट का क्या करना है याद रखना, है ना, याद रखना सारे एलिमेंट का क्या करना है याद रखना, है ना। बड़ा वाला खरीदना, देखो एक में क्या है सर, यहाँ पे 1 में हाइड्रोजन है बाबू, है ना, फिर 2 में इधर चल जाओ, 2 में इधर चल जाओ, हीलियम है, हीलियम इधर है बाबू, है ना बाबू, फिर लिथियम है, बेरिलियम है, ब्रोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है ना, नियोन है। तो 130 तक के सारे एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, है ना, याद होना चाहिए बाबू। ऐसा में ऑन नहीं करोगे बाबू, शिवानी शैतान ऑन कीजिए ना बाबू, ठीक। इधर आपको दिख रहा होगा बाबू 0 लिखल होगा या 18 लिखल होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, ये बाबू 0 है और 80 है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे ना बाबू, जैसे हीलियम का, नियोन का, आर्गन का, क्रिप्टन का, जेनॉन का, रेडॉन का, तो ये सब के बाबू जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होगा ना उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 8, किसको छोड़कर, हीलियम को छोड़कर। हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होता है ना। तो ये बाबू आप लोग क्या कीजिएगा, मार्केट से पीरियोडिक टेबल खरीद लेना, है ना, 130 तक से कम याद रखना है। 30 जिंक पे एंड होता है, यहाँ बाबू हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से स्टार्ट करो, बोरोन, कार्बन, है नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना भाई, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिल्कन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब बाबू, है ना, 20 में कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और ये आपका कौन सा, जिंक। तो कम से कम 30 तक के याद रखो, 30 तक के याद रखे ना। तो इसी सारे एलिमेंट का हमको क्या लिखना सर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, इसी सारे एलिमेंट का हमको क्या लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना। तो देखो कैसे लिखोगे, है ना, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, शांति से। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है सर, ठीक है ना। तो किसी भी न्यूट्रल अगर एटम है बाबू, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। किसी भी एलिमेंट का वो जो एटॉमिक नंबर होगा ना उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, उतना ही उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये ध्यान देना, है ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 सर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी भी एटम का अंदर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन्स होगा। तो एक एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इतना 1 है। तो आप पहले आपको इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करना, तो पहले सबसे पहले बाबू फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम 2, बताया था कल बाबू, कल वाले बताया था कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2n2, 2n2 रहेगा, 2 × n की वैल्यू 1 धरोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहला सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन के सारे के पास एक के इलेक्ट्रॉन है, एक के इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ से फिलअप करना शुरू करेंगे, न्यूक्लियस के बगल से, है ना, के सेल से फिलअप करना शुरू करते, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम का 2 होता है, हीलियम का 2 होता है। तो एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 2 हो गया। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, कहाँ से शुरू करोगे, फर्स्ट सेल से। तो के सेल में मैक्सिमम कितना रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आउटर मोस्ट बाबू के बाबू के सेल और एल सेल, है ना, ठीक है। तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और बाबू फर्स्ट ऑर्बिट के, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हीलियम है बाबू ये क्या होता है, कम्प्लीटली फिल होता है, कम्प्लीटली फिल होता है, मतलब ये स्टेबल कन्फिगर, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो हीलियम के केस में ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। बाकी जो भी एलिमेंट रहेगा, शांति से समझना, बाकी जो भी एलिमेंट होगा
अगर मैंने हीलियम को छोड़कर सारे के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाबू अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, तो हम कहेंगे कि वह एटम क्या है, मैंने रिएक्शन में भागने लगा है ना, रिएक्शन में भागने लगा, उसको हम लोग नोबल गैस कहेंगे ना, नोबल गैस कहेंगे ना। जितने सारे एलिमेंट हुआ, सारे के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो हम लोग कहते हैं वह रिएक्शन में भागने लगा, वह स्टेबल एटम हो जाता है, स्टेबल होता है ना, इनएक्टिव हो जाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों करता है सर, शांति से सुनो, कोई भी कंबाव जैसे NaCl है, आगे सब बताएंगे हम लोग, सोडियम है, क्लोरीन है, तो Na और Cl मिल के देश का नमक क्यों बनाता, NaCl क्यों बनाता। कोई भी कंपाउंड बाबू, कोई भी एलिमेंट केमिकल रिएक्शन इसलिए करता है बाबू कि वह अपना ऑक्टेट क्या करे, कंप्लीट करे, सारे का यही। आप पढ़ाई क्यों करते हो, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए है ना, पढ़ो के बढ़िया नौकरी लगेगा है ना, बढ़िया नौकरी लगेगा, बढ़िया पोजीशन पे जाओगे, इसलिए पढ़ाई कर रहे हो ना जी। हाँ सर, तो उसी प्रकार जितने भी सारे एलिमेंट है तो केमिकल रिएक्शन क्यों होता है एलिमेंट का, वह चाहता है वो अपने आउटर मोस्ट सेल में जो सबसे बाहर वाला सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है, ये मान लो इतना है, तो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उतना भी करेगा, सबसे बाहर वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इसी को कहते हैं ऑक्टेट रूल है ना, इसी को क्या कहेंगे, ऑक्टेट रूल कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑक्टेट रूल कहेंगे है ना, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल है ना, मतलब अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना, ऑक्टेट मीन्स 8 होता है, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना रखेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, नहीं रख पाता, बहुत सारे एलिमेंट का नहीं रख पाता। जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया वह एलिमेंट बल्ले बल्ले अस्टेबल हो जाएगा है ना, वह एलिमेंट अस्टेबल हो जाएगा, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा है ना, किसी से रिएक्शन वक्शन नहीं करेगा, आराम से शांति से, हमारा हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, वो सुटल रहेगा, दुनियादारी सब उसको कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं। और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो बेचारा है, हमको दे दो इलेक्ट्रॉन, मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए है ना, या मेरे पास से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ले लो है ना। तो इसी से बाबू क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और इसी के फलस्वरूप आपका केमिकल बॉन्ड चैप्टर ओरिजिनेट होता है, यहीं से पैदा लेता है केमिकल बॉन्ड है ना, केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन का लेन देन, केमिकल बॉन्डिंग में है क्या, इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता, लेन देन है ना, लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हुआ तो, हाँ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हुआ तो 9 या 10 हुआ तो 9 10 होगा बबू है ना, तो इलेक्ट्रॉन 9 10 होगा तो फिर डोनेट करेगा, आ रहा है, टेंशन मत लीजिए। इलेक्ट्रॉन देखो 8 से ज्यादा है ना बाबू, 8 से ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करेगा है ना बाबू, नहीं तो अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ करेगा, आउटर मोस्ट सेल में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर करेगा, बहुत सारे आ रहे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हीलियम हो गया सर, लिथियम, लिथियम का एटोमिक नंबर कितना सर, 3 सर, तो लिथियम का एटोमिक नंबर 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 3 सर। अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, 3 इलेक्ट्रॉन भरना, तो देखो कैसे भरोगे, न्यूक्लियस हो गया, पहला सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पहला सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 ही सेल रही है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अब 3 हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो कहाँ जाएगा, बाहर वाला दूसरा सेल में जाएगा। आपको जो इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है किसके अनुसार, 2n² रूल के साथ, तो पहला सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, कल बताए थे 2 इलेक्ट्रॉन, आपके पास लिथियम का 3 है, इलेक्ट्रॉन 3 है, तो एगो कहाँ जाएगा, बाहर वाला सेल में जाएगा, ठीक। उसी प्रकार ये लिथियम का हो गया था, एल सेल हो गया, बेरिलियम है, बेरिलियम का एटोमिक नंबर कितना सर, 4 सर, बेरिलियम का एटोमिक नंबर 4 सर, ठीक। अब बेरिलियम का 4 है बाबू तो है ना, तो पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, अब बचा कितना, 2, तो अगले अगले सेल में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्या जाएगा, अगले सेल में जाएगा, अगले सेल में जाएगा, तो यही बाबू बेरिलियम का है, बेरिलियम का, जैसे समझो समझो, सारे का एक बार समझा देते हैं ना, सारे का समझा देते, उसके बाद फिर लिखा देंगे, चाहे लिख के लाना, समझो बाबू, कसम खाई बाबू, सौम्या ए शिवानी वीडियो ऑन करो ना, भोली सो गई, भोली शिवानी ए भोली, डर नहीं बाबू की कल संडे आ रहा है, देखो पहले एक बार सारे का समझा देते, 1 से 20 तक के समझा देते सारे का, पहले समझ लो उसके बाद लिख लेना। भोले शिवानी शैतानी दोनों भाई बहन सो गए, देखो समझो आनंद बाबू, देखिए सौम्या,
मान लीजिए हमको कार्बन का, पहले तो आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर नहीं याद रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते सर? क्योंकि सर जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन याद रहेगा इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तभी आप क्या कर सकते हो इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो ना, फिलअप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो हमको नाइट्रोजन है सर, है ना, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, सात होता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ रहता है सर, सेल में रहता है, बताया थोड़ा वो इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ रहता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल में रहता है। तो एक न्यूक्लियस बनाना है ना, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा, इसके बाद फर्स्ट सेल लेना, आपके पास सात इलेक्ट्रॉन है, तो पहला सेल में मैक्सिमम क्या इलेक्ट्रॉन रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो गया है ना। ठीक सर, फिर बाबू सात में से दो यूज किया, पांच बच गया, तो दूसरे सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, आठ इलेक्ट्रॉन, टू एन स्क्वायर से, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच गया क्या होगा, दूसरे दूसरे सेल में जाएगा, दो दो चार, अब सात है ना बाबू, तो दो दो चार और दो छः एक सात है ना, तो ये क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल हो गया। ये नाइट्रोजन आइटम के लिए क्या हो गया, बाहर वाला कक्षा है ना, आउटर मोस्ट सेल यही हो गया, ये इनर सेल हो गया, ये आउटर मोस्ट सेल हो गया। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, पांच इलेक्ट्रॉन, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, मैंने ये स्टेबल नहीं है। आउटर मोस्ट सेल में अगर इसके में कितना हो जाए, आठ इलेक्ट्रॉन हो जाता तो क्या हो जाता, अस्टेबल हो जाता। इसका आउटर मोस्ट सेल में क्या था, पांच इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, अस्टेबल नहीं है, अस्टेबल नहीं है। तो अब ये क्या करेगा सर, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा है ना, दूसरे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। तो पांच है ना, तो मान लो कोई ऐसा आइटम होगा बहुत जो इसको तीन इलेक्ट्रॉन दे दे, तीन इलेक्ट्रॉन दे दे, तीन इलेक्ट्रॉन दे दे, तो दे देगा, तब ये क्या हो जाएगा, अस्टेबल हो जाएगा। क्या हुआ, अस्टेबल हो जाएगा ना। तो यही इलेक्ट्रॉन जो दूसरा कोई दिया उसी से साथ क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा है ना, और बॉन्ड वॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा है ना। तो ये नाइट्रोजन हो गया है ना, नाइट्रोजन हो, तो वैसे ही किया गया, नाइट्रोजन में पहला सेल के सेल एल सेल, दो इलेक्ट्रॉन भर गया, बाकी बच गया कितना, पांच, पांच है ना, पांच इलेक्ट्रॉन बच गया, तो पांच आउटर मोस्ट सेल में जाएगा है ना, आउटर मोस्ट सेल में जाएगा है ना। जैसे मेरा बाबू ऑक्सीजन, जैसे मेरा भोला ऑक्सीजन है, समझो शांति से, लिखने का तो है वो, लिखते रहना। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है ना बाबू, ऑक्सीजन है, कौन है सर, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है सर, ओ बता। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है सर, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, आठ होता। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे, आठ इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन। अब आठ इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, डिफरेंट डिफरेंट सेल में क्या करना है, भरना है ना। तो कैसे भरेंगे, कैसे भरेंगे सर, तो पहले एक न्यूक्लियस बनाना, पहला सेल, पहला सेल में क्या इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, टू एन स्क्वायर से पहला सेल मैक्सिमम दो ये गो रही है सकता, तो दो गो हो गया। अब आठ इलेक्ट्रॉन है, दो गो ये हो गया। अब दूसरे सेल में तो बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, छह इलेक्ट्रॉन बच रहा ना, तो छह कहाँ जाएगा, दूसरा सेल में जाएगा, दूसरा सेल में जाएगा, दूसरा सेल में जाएगा। तो ये दो हो गया, दो चार हो गया और दो छह हो गया। तो अभी इसका आउटर मोस्ट में आठ इलेक्ट्रॉन नहीं ना हुआ। अब जब ये क्या, अब तो ये क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा है ना, क्यों करेगा, क्योंकि ये अपने आउटर मोस्ट में कई इलेक्ट्रॉन चाहेगा, आठ को दो को इसको कोई दे देगा, इसके इसको आउटर मोस्ट में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा है ना। अब उसके बाद वो क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा है ना, केमिकल रिएक्शन करेगा। ठीक, शांति से सुनना, अभी देखो, अभी देखो, देखो ना, अभी एकदम डांस होगा, ये ऑक्सीजन हो गया, मान लो बाबू ऑक्सीजन, नौ में किसका होता, फ्लोरीन होता, नाइन में किसका होता, फ्लोरीन होता, फ्लोरीन होता, समझना, आप समझना, समझना, क्लोरीन को एफ से इंडिकेट कर। ठीक, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना सर, एटॉमिक नंबर कितना बाबू, एटॉमिक नंबर कितना फ्लोरीन का, एटॉमिक नंबर नाइन सर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना सर, नौ इलेक्ट्रॉन। आपके पास नौ इलेक्ट्रॉन है, इसको कह रहा है सेल में क्या करो, अरेंज करो। तो कैसे करोगे, तो पहले न्यूक्लियस देना, पहला सेल में मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, हाँ सर दो इलेक्ट्रॉन, नौ में दो इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया, कई को बचा, सात को बचा, सात को बचा, तो सात इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा, सेकेंड सेल में जाएगा, कई इलेक्ट्रॉन, सात इलेक्ट्रॉन, सात इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, दो छः एक सात है ना। अब इसके में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाता तो ये स्टेबल हो जाता, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आठ इलेक्ट्रॉन नहीं तो ये स्टेबल नहीं, तो ये भी क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, भाग लेगा है ना, किसी से करेगा, अल्लाह के नाम पे हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, अल्लाह के नाम पे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा है ना। सारे सारे आइटम का वही मोटो होता है, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आठ इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है ना, रखना चाहता है ना।
तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे भी सकता है। जो इसमें लगे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा कहीं से भीख मांग मांग के, जैसे मान लो आपके पास 99 रुपया है तो आप भीख मांगोगे 1 रुपया हमको दे दो मम्मी जी पापा जी मेरा 100 रुपया हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर हो जाएगा मेरे पास, है ना, है ना। तो वैसे ही होता है ना बाबू, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो दे दो हमको इलेक्ट्रॉन, ताकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो उसके बाद स्टेबल हो जाएगा, है ना, स्टेबल हो जाएगा। देखो बाबू अभी डांस देखो, फ्लोरीन हो गया 10, किसका होता सर, नियॉन का होता। देखो नियॉन में क्या होता, नियॉन में क्या होता, नियॉन में क्या होता, नियॉन में बाबू है ना, नियॉन का देखो, नियॉन 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 नियॉन, है ना बाबू। 10 बोला, नियॉन आ गया, एनी ओ एन, समझना समझना समझना, नियॉन का कितना सिंबल होता है, एनी सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 10 होता है सर, एटॉमिक नंबर 10 होता है, एटॉमिक नंबर 10 होता है ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 होता है ना, 10 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, ठीक ठीक सर। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करो, क्या करो, इसका कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करो, है ना, ड्रा करो, कहाँ गए सौम्या, ठीक, ऐसे माने ऑन करो ना बाबू, देखो गया कौन जी, आनंद है, शुभ है, तेरे को गया कौन बाबू, धर्मवीर है, आनंद है, शुभ है, निकु हर्षिता, शिव, तेरे कौन भागा जी, दो दो को क्या कनेक्ट कर रही सर सौम्या, देखो गया कौन बाबू, ध्यान नहीं आ रहा, अच्छा भी अटेंडेंस देखा। अब देखो बाबू कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू, 10 है, 10 है, तो पहला सेल में क्या न्यूक्लियस, पहला सेल में मैक्सिमम 2 ही रह सकता, 2 से कम हो सकता लेकिन 2 से ज्यादा नहीं रह सकता, कौन सर, ये बोरबोरी का मॉडल, कल है बताया ना बोरबोरी मॉडल, है ना, बोरबोरी बाप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहला सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो 10 में 2 यूज हो गया, बाकी कई गो बचा, 8 गो, 10 में 2 यूज हो गया तो 8 गो बचा, तो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्या लिख रहे हो हर्षिता, 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आउटर मोस्ट सेल में, ये 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक। अब देखो टोटल 10, इसको काउंट करेगा टोटल 10 आएगा ना सर, 2, 8, 2, 10 हो गया, 10 है, जितना जितना इलेक्ट्रॉन है उतना आना चाहिए काउंट करने में, है ना। अब देखो क्या सर, इसका आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन, अब ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, नियॉन गैस अब किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं करेगा, है ना, आउटर मोस्ट में ये क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए बाबू जो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, इसको क्या कहते हैं सर, इनर्ट गैस कहते हैं, क्या कहते हैं बोला, इनर्ट गैस कहते हैं, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना हो गया सर, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, 10 हो गया, बल्ले 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 बल्ले, तो ये क्या बन जाएगा, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो गया सर, आउटर मोस्ट यही ना सेल है बाबू, ये आउटर सेल हो गया, आउटर मोस्ट सेल हो गया, ये बोला मेरा क्या आउटर हो गया, आउटर मोस्ट सेल हो गया, इसके बाद कोई सेल नहीं ना है, ठीक है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया सर, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो अब ये स्टेबल हो गया, है ना, ऑक्टेट इसका कंप्लीट था, ये रिएक्शन वर्क्शन नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एनर्ट गैस कहते हैं, उनको क्या कहते हैं एनर्ट गैस कहते हैं। अब देखो 11 देखो 11 वाला देखो, लिखो नहीं जी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले बाबू सीख लो, सीख लीजिए कैसे भरते हैं, 11 में कौन है सर, ये सब कहाँ याद रखना पड़ेगा, सोडियम है, 11 में कौन है, सोडियम है, सोडियम सोडियम क्या होता है, Na होता है, Na होता है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11 होगा, 11 होगा, 11 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बोला, 11 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, 11। तो कैसे भरेंगे सर, तो देखो कैसे होना, पहला सेल में मैक्सिमम 2 ही रहेगा, कौन बोला, बोर बोला, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं होगा, सेकंड सेल में मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन, है ना, सेकंड सेल में मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 को बताया था ना 2n² के साथ, सेकंड सेल में कितना मैक्सिमम, 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, सेकंड सेल में मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन सर, कल बताया ना वो 8 इलेक्ट्रॉन लिखा लें, है ना, आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 10 हो गया, एगो इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो एगो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एगो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बाहर वाला तीसरा सेल में जाएगा, एगो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तीसरा सेल में जाएगा, पहला सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 में मैक्सिमम 8 से ज्यादा नहीं रह सकता, कौन बोला, बोर बोली बोला, है ना, 8, 2, 10 हो रहा है, आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एगो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बाहर वाला में जाएगा, अगला ऑर्बिट में जाएगा, अगला ऑर्बिट में जाएगा, है ना, अगला ऑर्बिट में जाएगा,
तो ये आपका के सेल हो गया, ई एल सेल हो गया, ई एम सेल हो गया, है ना, ठीक, एम सेल, ठीक। अब यही एक इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम किसी को दे देगा तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कोई देता भी है, इलेक्ट्रॉन लेता भी है, देता भी है, लेता भी है ना। यही एक इलेक्ट्रॉन कहीं से अगर ये कोई इससे ले लिया तो अब ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, किसी को देगा। लिखे बाबू। अच्छा शिवानी गई, बोले अनुज है, जल्दी लिखे सौम्या। नहीं समझ में आ रहा अनुज, ये भोला अनुज समझ नहीं आ रहा जी, ये अनुज शैतान आ रहा, समझ नहीं आ रहा भोला, झूठ मत बोलना कलम पकड़ के बाबू, चेहरा पकड़ के झूठ मत बोलिएगा, चेहरा खराब हो जाएगा। आ रहा सर, अभी तक नहीं पढ़ा सन का बाबू? नो सर। पढ़ लिया ना सतीश की नहीं पढ़ा है जी? कॉन्फ़िगरेशन साइज लास्ट चैप्टर में पढ़ना है। ये आपको हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले एटम के बारे में बताएं, कैसे कैसे एटम पैदा लिया, कौन कौन जो थॉमसन आया, उसके बाद उसका चेला आया रदरफोर्ड, उसके बाद उसका चेलवा आया नील्स बोर, है ना। तो ये आइटम का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमको आइटम के बारे में पढ़ना रहता है बाबू, लास्ट चैप्टर क्या होता है। अभी इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है ना, अभी एसपीडी सब सेल एसपीडीएफ में भरना है, लिखना आता है सर, थोड़ा मोड़ा पढ़ लिए हैं, लेकिन ऋषभ ने बोले है कि लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे ना, उसमें हम सब बता देंगे बढ़िया से। लास्ट चैप्टर क्या है आप लोग का, लास्ट चैप्टर सर हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर सर। हाँ बाबू, इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ाएंगे, sp3d sp3 sp2 इस तरह, वो इलेक्ट्रॉन को, हाँ इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन भरना बता देंगे। बाकी हाइब्रिडाइजेशन एक बुक है बाबू, है ना, वो अभी आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ sp3d बता देंगे, टेंशन मत लो। कैसे कैसे बनता है उस तरह वो भी सिखा देगा सर। सोडियम के बाद किसका है, 12 में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का हम लोग सजाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे। कल आप लोग का टेस्ट है बाबू, इसी टाइम में दीजिएगा सतीश, प्राइज वाला टेस्ट बाबू। सो मैं अटेंड करूंगा क्या सर, मैं भी कोशिश करूंगा अटेंड करने का, ये भी करूंगा। फिजिक्स अब आप लोग फिजिक्स को स्ट्रांग करो, फिजिक्स सबसे जरूरी होता है 11 12th में। टाइम मोशन ये सब वगैरह है ना बाबू, फोर्स भी पढ़ाइए दिए, टाइम मोशन पढ़ाइए दिए, आई एगो चलिए रहा, ठीक। उधर मैथ का बाबू, मैथ का कुछ कुछ टॉपिक स्ट्रांग कीजिए बाबू, बताइएगा तब ना सर कि कौन कौन सा पूरा स्ट्रांग है। फिजिक्स में देखो आपका बाबू अथी लीनियर मोशन वाला मन से पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ इसे मन से पढ़ना बाबू, इसके बिना जिंदगी अधूरा है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ाएं बाबू, अब फिर बर्क पावर बाबू, बर्क पावर एनर्जी बाबू, उसके बिना भी जिंदगी अधूरा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना इधर हो गया, फिर ये केमिस्ट्री में बाबू ये चैप्टर हो गया, इसमें बाबू बताए थे आपको क्या सॉल्यूशन वगैरह बताए थे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मैथ में बाबू आपको क्या है बाबू, मैथ में बाबू जो इस टाइप का रेशनलाइजेशन पढ़ा दिया सर, सॉल्यूशन
रेशनलाइजेशन तो हम पूरा बना देते हैं। हाँ, रेशनलाइजेशन जो सर्च उस वाला कंसेप्ट है बाबू, है ना, वो सबसे बाबू हमेशा क्वेश्चन आता है, कंपटीशन बेसिस सब जगह आता है। सोडियम बाबू बारह में कौन है सर? मैग्नीशियम है। बारह में कौन है बाबू? मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर कितना सर? 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना सर? 12 सर। तो 12 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना, तो कैसे करोगे भोला? पहले न्यूक्लियस से ड्रा करना, ठीक। पहला सर दो इलेक्ट्रॉन, पहला में दुई गो, दूसरा में बाबू कई इलेक्ट्रॉन? दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा बाबू? 12 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, तो दूसरा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड सेल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। कौन बोला? बोर बोला था 2n2, 2 2 4 2 6 2 4 6 2 8। तो अभी 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो 2 को बच गया ना, तो ऑटोमेटिक अगला ऑर्बिट में चल जाता है। जेब में पैसा जब भर जाएगा बाबू, तो गिर के नीचे गिरेगा, है ना, जाके कहाँ जाएगा? नीचे गिरेगा, तो वही पकड़ेगा। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहबे करेगा, भर गया तब 2 इलेक्ट्रॉन तो बच रहा है, आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो अगला सेल में जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अगला सेल में जाएगा। तो ई के सेल हो गया, ई एल सेल हो गया, ई एम सेल हो गया, है ना। हाँ सर, 13 नंबर बाबू मैग्नीशियम। 13 नंबर क्या? एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का सिंबल एल होता है, ठीक। समझ में आ रहा आनंद कि नहीं आ रहा भोला? ये धर्मवीर समझ में आता है जी? कितना था धर्मवीर? धर्मवीर बोला यस सर। बताओ 13 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरेगा, बताओ शैतान। अब पूछते हैं सबसे, जल्दी जल्दी बोलो धर्मवीर। हम बताएं, आपका भी टर्न, हाँ आपका भी टर्न आएगा, बोलो धर्मवीर। दो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, उसके बाद फिर सर, हाँ फिर सर 3 भरेगा सर। कहाँ? इसी में? नहीं सर, अगला अगला सेल में। 1 इलेक्ट्रॉन, 3, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका आउटर मोस्ट सेल में क्या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिएक्शन करेगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, तो बता 3 को क्या करेगा? दे देगा। 3 को क्या करेगा? देगा, है ना। ये हो गया के सेल, ये हो गया एल सेल, और ये हो गया एम सेल। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखे, जल्दी लिखो भोला। इसी तरह से आपको 20 तक करना है ना, उसके बाद 21 से थोड़ा चेंज होगा। जल्दी बोला, जल्दी 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 मेरे ला। जल्दी लिखो, लिख ली सौम्या? लिख ली एल्यूमिनियम। जल्दी लिखे, जल्दी। तो ये सब क्या किस में पढ़ना बाबू? गलती से दिया, गलती से दिया 9, है ना। आप लोग को बाबू 4-5 में पढ़ना रहना चाहिए था। सिलेबस का बाबू मॉडिफिकेशन किया ही नहीं है, सब जगह यही बर्बादी हो रहा है। इसमें कौन सा ऐसा चीज है बाबू जो 5-6 के बच्चे को समझाएंगे तो न समझ पाएगा? गोले गाल तो बनाना है जी। नेक्स्ट बोला 14 नंबर। 14 में कौन है सर? 14 में बाबू कौन है? 14 में कौन है जी? कौन है आनंद 14 में? अल्मोनियम। अल्मोनियम के बाद कौन है बाबू? आनंद सिलिकॉन। 14 में कौन है? सिलिकॉन, SIL सिलिकॉन।
फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। हाँ बाबू, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन होता है। ठीक, कितना है सर? सिलिकॉन का SI होता है, सिंबल कितना होता है? SI होता है। हाँ सर, एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 14 होता। बोलो हर्षिता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 14। जितना एटॉमिक नंबर होता है, हाँ, एगो न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद क्या होगा? पहला सर्कल ना बोलते हैं कभी, इसको सेल बोलते हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सेकंड सेल 8 इलेक्ट्रॉन। सर इसमें 8 सर, वही बता दिए। 2 2 4 2 6 8 2 8 हो गया। क्या को बच गया? 4। 4 बच गया, तो 4 कौन सेल में जाएगा? पहला वाला का नाम है, हाँ तो पहला वाला नाम है शैतान, पहला वाला को के सेल, दूसरा वाला को एल सेल, और तीसरा वाला को एम सेल कहते हैं। एम में जाएगा, 4 इसमें एम में जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन एम में जाएगा, है ना? 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। हाँ बोला सर, एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर? एम सेल का कैमा नंबर आता है 1 2 3, 3 में, 3rd सेल में मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 4। थर्ड सेल में, अरे इसमें ना शैतान, थर्ड सेल में मैक्सिमम हम लोग इसमें एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन तक मैक्सिमम भरेंगे? तो एम बराबर थर्ड पोजीशन पे 1 2 3, तो थर्ड सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 27 होगा सर। 6 रह सकता है, 18। 18, 2n स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओ ना जी, किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2n स्क्वायर, n की वैल्यू 3rd है ना, पहला दूसरा तीसरा 3rd है, तो 3 का स्क्वायर इनटू 2 18, तो 3rd सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कहां तक जाएगा? 18 जाएगा, है ना? फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस का सिंबल P होता है। एटॉमिक नंबर कितना हो गया फास्फोरस का? 15। बाकी अब करना है आप लोग, नहीं करने जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर 15 हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? पंद्रह इलेक्ट्रॉन भरना है, तो एगो क्या करो, न्यूक्लियस, सर फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन सर? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 4 6 2 8, 10 हो गया, 15 बाबू। तो 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, थर्ड सेल में, फोर्थ, और ये फिफ्थ हो जाएगा। चलो जल्दी से बाबू, जल्दी से भरो तो बाबू। 16 17 18 बाबू, 16 होता है सल्फर, 17 होता है क्लोरीन, 18 होता है आर्गन, 19 होता है पोटेशियम, 20 होता है कैल्शियम। जल्दी करो, जल्दी करो भोला। बाबू आपका क्या होता है? चेंज होता है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखे। आनंद कौन खुशी में बाबू, व्हाट्सएप चल रहा है सुबह सुबह? आनंद, आनंद सर, अभी इसमें बाबू सबसे लाएगा SPDF, क्या आएगा? सबसे लाएगा, सबसे लाएगा, तो उसमें सिखाएंगे, है ना? 30 तक, 20 के बाद बाबू थोड़ा बाबू आपको याद रखना पड़ेगा, है ना? एक्सेप्शन वगैरह होता है 20 के बाद, है ना? रूल फॉलो नहीं होता, वो आपको जब SPDF बताएंगे ना, तो उसमें से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। जल्दी लिखे जी, SPDF सेल। हाँ जी, सब सेल SPDF। 21 बाबू स्कैंडियम, 21 कौन है जी? स्कैंडियम है। जल्दी लिखो भला, जल्दी लिखे, टाइम नहीं है बाबू, बहुत चीज पढ़ना है जी आप लोग, हमारे पास टाइम नहीं है। 15 से बाकी 20 तक कीजिएगा भोला, हम करने नहीं जा रहे हैं, कितना थका होगा जी।
जल्दी लिखो जी, लिख लिया बाबू। यस सर, वो चलो ठीक है। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बोला। हाँ बोले, हाँ बोला, बोले ना, बताइए ना कैल्शियम के। अच्छा कैल्शियम से बताते हैं, कैल्शियम बताते हैं, कैल्शियम के बाद बाबू, बीस के बाद बाबू आपका क्या होता है, चेंज होता है, चेंज होता है थोड़ा थोड़ा, है ना, चेंज होता है। चलो बोला, बाकी इसका करके लाइएगा, है ना, 16-17 एटॉमिक नंबर कैसे याद होगा सर, पीरियोडिक टेबल मम्मी को बोलिएगा खरीद के ला के दे देगी वो, जैसे बड़ा वाला लाना, छोटा वाला मत लाना, छोटा बुद्धि होगा, बड़ा वाला मंगाना, 100-200 में 100 रुपये हम के आसपास देता है, दीवार पे हैंग कर देना। पीरियोडिक टेबल ऐसा है बाबू कि जब तक आपको जीवित रहोगे ना, जब तक एलिमेंट का यूज पड़े करेगा, बड़े हो जाओगे, चाचा के चाची के बाल बच्चा को पढ़ाओगे, है ना, तो याद रहेगा तब ना पढ़ाओगे जी। नेक्स्ट बोला, देखो बाकी 16-17-18-19 करना, 20 के बाद से बाबू समझने वाला है। है ना बाबू, ये हो गया 16, 17, 18, 19, इतना करके लाना है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाना 16, 17, 18 का। एलिमेंट कहाँ से लिखोगे, वहां से लिख लेना बाबू, है ना। देखो शैतान, 20 में मेरा क्या बाबू, 20 में क्या है बाबू, है ना, 20 नंबर, बीस में कौन है सर, कैल्शियम है, कैल्शियम है, ठीक। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, सीए होता है। एलिमेंट का सिंबल आपको याद रहना है, तभी सिंबल नहीं याद रहेगा तो केमिकल रिएक्शन कैसे करोगे, केमिकल रिएक्शन में उसका सिंबल ही यूज करते हैं, सीए H2 यही सब, ठीक। तो एटॉमिक नंबर कितना सर, 20 सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना सर, 20, जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20, ठीक। आपको 20 इलेक्ट्रॉन अरेंज करना, तो एक न्यूक्लियस देना, पहला सेल में मैक्सिमम क्या इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं रह सकता, तो 2 गो हो गया। दूसरे सेल में मैक्सिमम क्या इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा नहीं रह सकता, क्यों सर, क्योंकि बाबू बोर बोला था, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2n2, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 8 आएगा, है ना। तो सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम का इलेक्ट्रॉन 8 को 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कौन बोला, बोर बोला, 2, 2, 4, 6 तो आपके पास 20 है, 10 को यूज किया, 10 को और बच गया थर्ड सेल में, ठीक। अब यहां समझना, ठीक। तो थर्ड सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा सर, शांति समझो, थर्ड सेल में मैक्सिमम बाबू 2n2, n की वैल्यू 3 पुट करो तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना जाएगा, 3 × 3 = 18 जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बाबू देखो 2 इलेक्ट्रॉन और 8, 8 तो 10 हो गया, तो 10 हो गया आपके पास कितना, 20 है, तो थर्ड सेल में कितना जाएगा, शांति समझना, यहाँ पे समझना बाबू, 3 इलेक्ट्रॉन, अरे शैतान आपके पास टोटल 20 इलेक्ट्रॉन है सर, हाँ सर बात समझ में आता है, कौन भागा जी, चलो ठीक, 20 में 10 को यूज कर दिया तो कई गो बचा, 10 गो बचा, तो 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आउटर मोस्ट सर्व में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, ठीक सर। ये कैल्शियम का, अब यहाँ पे समझिए बाबू, ठीक। तो ये हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक। ये क्या हो गया, ऑटो मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना रह सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना। तो यहाँ पे 10 हो गया, फिर अगला एक एक्सकैंडियम तक जाएगा तो एक और भरना इसमें, फिर एक और भरना। लेकिन यहाँ पे लोचा क्या होता है बाबू, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है सर, है ना, कि ये बाबू ये जो ऑर्बिट है ना, ये जो ऑर्बिट है बाबू, अगर इस ऑर्बिट से बाबू 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, है ना बाबू, आगे इसका कंसेप्ट आएगा, जब 1s2 2s2 2p2
है ना, 1s2 2s2 2p2, फिर 3s1 3p2p6 और 3a2p6 और 3s1 3p6, है ना। जब वो सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करना आपको बताएंगे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन का जो फिलअप होता है वो एनर्जी लेवल के अनुसार होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा लोएस्ट एनर्जी लेवल में, उसके बाद उससे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी लेवल। तो इसमें क्या होता है, वो जो एक दो इलेक्ट्रॉन रहता है, ये थर्ड ऑर्बिट है, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना 8 इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, आउटर सेल में चल जाएगा, है ना। जिससे क्या होता है, वो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इसके इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, उससे ज्यादा स्टेबल मेरा कौन होता है, ये होता है, यहाँ पे होता है ना। तो इसका कन्फिगरेशन इस तरह से होता है। इसका कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा सर, यहाँ से जब सब सेल में बताएंगे इलेक्ट्रॉन फिलअप करना ऐसे करके, 1s 2s, है ना, 2p 3s 3p, आयरो देखे इस तरह से, आयरो देखे आपको बताएंगे ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो 20 के बाद से बाबू आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है, 20 के बाद से क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उसको आपको हम लिखा देंगे, ध्यान रखना, कितना रखना है, ध्यान रखना, है ना। तो इसमें कौन सा सर, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, है ना, एन सेल आता है, एन सेल आता है ना। तो एम सेल में मैक्सिमम कितना आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहने से ये स्टेबल होता है, 2 2 4 2 6 2 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहने से क्या होता है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है ना, ज्यादा होती है। तो इसका कैल्शियम का इस तरह से बनेगा, ठीक, समझ में आ जाएगा, जब सब सेल में भरने बताएंगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। अभी थोड़ा सा जो रूल है बाबू उसमें भी एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन होता है, लिखे बोला, बाकी 16 17 18 तक 19 तक करके लाइएगा, नहीं करोगे ढूंढ देंगे। सर आज मेरा एग्जाम है। अच्छी बात है बाबू, क्या चीज का एग्जाम है जी? रीजनिंग वैदिक मैथ्स ईपी।